नमस्कार दोस्तों। तो आज के ये आर्टिकल आपका जनसत्ता से लिया गया है। आज का जनसत्ता के ये आर्टिकल है, आपके लिए महत्वपूर्ण था इसलिए हमने ले लिया वहां से। चुनौती बनती आपदाएं, भारत डोगरा के द्वारा ये लिखा गया है। वैसे कि आपको पता होगा जैसे कि हमारे देश में भी आपने दो तीन चार तरह की आपदाएं देख ली। एक तरह आपके तूफान आए, चक्रवात आए, दूसरी तरह आपका कोरोना था ही, और बाकी त्रासदी थी जो भूख से त्रासदी देखी जा रही है। ये आपदाएं ही तो हैं दुनिया की, देखते हैं हम लोग, ठीक है। दुनिया के अनेक क्षेत्र इस समय दोहरी तेरी आपदाओं के दौर से गुजर रहे हैं, जैसे अफ्रीका और अरब क्षेत्र के कुछ देशों में युद्ध और गृह युद्ध के कारण करोड़ों लोग बुरी तरह त्रस्त थे। भूख के साथ घायल बीमार लोगों के इलाज की समस्या भी विकट होती जा रही थी। इस स्थिति में कोरोना महामारी और उससे बचाव के लिए पूर्णबंदी जैसी स्थितियों का आगमन हुआ है। एक बात आप लोग हमेशा समझ के रखिए कि अगर कोरोना वायरस अच्छी स्थिति में, अगर सोचिए कि बड़ी मात्रा में अगर अफ्रीका महाद्वीप में फैल जाता है, तो आज भी वहां बहुत गरीबी है और स्वास्थ्य क्षेत्र की व्यवस्था की खस्ता हालत हुआ। तो भगवान से यही दुआ करिए कि उस क्षेत्र में ना फैले, क्योंकि उसके बाद अगर फैलने के बाद वहां काबू पाना मुश्किल रहेगा। इस कारण खाद्य सामग्री जरूरतमंदों तक पहुंचाने और घायलों के इलाज की समस्या और गहरा गई है। इतना ही नहीं, इसी स्थिति में इनमें से कुछ देशों को आप टिड्डी दलों के हमले को भी झेलना पड़ा। अभी हमने बात की थी ना कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कई राज्यों में आपकी टिड्डी हमला भी देखने को मिला है। एक दिन आपका आर्टिकल भी इससे संबंधित था, उसके बारे में भी हम लोगों ने बात की थी, जिससे खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा पर और प्रतिकूल असर पड़ा। आप सोचिए, इतनी बड़ी मात्रा थी टिड्डी दलों की कि अगर एक खेत में बैठ जाए तो 4 से 5 मिनट में पूरा खेत साफ कर सकती थी, इतना भयंकर इनका हमला था। ईरान, अफगानिस्तान, वेनेजुएला जैसे कई देशों को पिछले कुछ समय में तीन पक्षी आपदाओं के दौर से गुजरना पड़ रहा है। कौन कौन? ईरान, अफगानिस्तान, वेनेजुएला। दक्षिण एशिया का एक बहुत बड़ा क्षेत्र भी दोहरी या फिर तेरी आपदाओं से प्रभावित रहा है। यदि हम अपने देश के पूर्वी भाग को देखें तो COVID-19 के दौर में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को समुद्री चक्रवात का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में तो भारी तबाही हुई, तटबंधों के टूटने से बाढ़ की स्थिति कुछ क्षेत्रों में मानसून के आगमन से पहले ही उत्पन्न हो गई। असम के कुछ क्षेत्रों में भी समय से पहले ही बाढ़ जैसे हालात आपके बन चुके हैं। इतना ही नहीं, देश के अनेक पश्चिमी भागों को पिछले दिनों टिड्डी दलों के सबसे बड़े हमले को भी झेलना पड़ा है। यह आपका गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अनेक जिले टिड्डियों के हमले से प्रभावित हुए हैं। इनमें से कई जिले इसी समय गंभीर जल संकट से भी आपके जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में निसर्ग चक्रवात से भी भारी क्षति हुई है। आपने अभी नाम सुना होगा ना, निसर्ग चक्रवात, तो इससे महाराष्ट्र में भी तबाही देखने को मिली हुई है। ऐसी विशेष कठिन परिस्थितियों में संकट से उबरने के लिए परस्पर सहयोग और साहस की जरूरत है। उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में चक्रवात से पूर्व के बचाव में यह देखा गया कि जिसके लिए इस प्रयास से जुड़ी सभी एजेंसियों की प्रशंसा की बात है। लगभग 7 लाख लोगों को समय पर विशेष आश्रमों व सुरक्षा स्थलों पर पहुंचाया गया। ये अच्छी बात है कि अब हमें मालूम चल जाता है कि कुछ समय पहले कि कहां चक्रवात कितने टाइम में आ जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग। इससे क्या होता है कि हम वहां से हटा देते हैं लोगों को, दूसरी जगह भेज देते हैं, जब सामान्य स्थिति होने लगती है उसके बाद उन्हें वापस कर देते हैं। ओडिशा में एक भी जीवन की क्षति नहीं हुई। पश्चिम बंगाल में आपकी तूफानी प्रकोप इतना अधिक था कि कुछ लोगों को नहीं बचाया जा सका। फिर भी बचाव प्रयास कुल मिलाकर काफी हद तक कामयाब रहे हैं। इसी तरह के साहस व आपसी सहयोग का मिला जुला प्रयास
बाद में जनजीवन को सामान्य बनाने में भी देखा गया है आपका। जलवायु बदलाव के इस दौर में वैसे भी आपदाएं बढ़ रही हैं, अतः दोहरी तीरी आपदाओं के प्रकोप के लिए हमें अब हमेशा तैयार रहना होगा। एक साथ आने वाली आपदाएं चुनौती बनकर उभरी हैं, लेकिन यदि हम विभिन्न स्तरों पर पर्यावरण रक्षा के प्रति अधिक सजग और प्रयासरत रहें तो आपदाओं की संभावना और विनाश विनाशक क्षमता में एक सीमा तक कमी जरूर लाई जा सकती है। अभी मैं एक कहीं रिपोर्ट पढ़ रहा था, अभी कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले, वहां लिखा हुआ था कि हो सकता है कि कोरोना वायरस आपका, ये भी आपका पर्यावरण का ही, हम लोग जो उसे हानि पहुंचा रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, उसी का परिणाम है। और ये इसमें कोई शक भी नहीं है। देखिए, जो भी आपदाएं आ रही हैं आपकी, वो अधिकतर इसी के कारण आ रही हैं, क्योंकि हमने उसके साथ इतना विनाश किया पर्यावरण का कि उसे संभालना मुश्किल हो पा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए छिटमुट छिटपुट प्रयास नहीं, अपितु सुनिश्चित सुनियोजित ढंग से दीर्घकालीन प्रयासों की जरूरत है, वह भी निरंतरता के साथ। इसलिए नियोजित टिकाऊ विकास का महत्व अब पहले से और ज्यादा बढ़ गया है। आपदाओं का सबसे अधिक कष्ट उन लोगों को सहना पड़ता है जो गरीब, गरीबी व अभाव के कारण किसी कठिनाइयों को झेलने में सक्षम नहीं है। आप समझ सकते हैं कि फिर चाहे कोई आपकी मानवीय आपदा आई हो, फिर चाहे आपकी प्राकृतिक आपदा हो, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क इन्हीं लोगों पर पड़ता है। गरीब हैं, असहाय हैं, जिनके पास अपना कोई संसाधन नहीं है, अपनी कोई रोजी रोटी कमाने के लिए कोई व्यवसाय नहीं है, वही सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अब आप सोचिए कि जितने आपके कोरोना से प्रभावित हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा गरीबों की तो संख्या है। हम तुम लोग तो चलिए 1 महीना के 6 महीने तक झेलते रहेंगे आप लोग, क्योंकि आप सक्सेस हैं। उनकी सोचिए कि जो डेली का कमाते हैं और डेली का खर्च करते हैं, ये रिक्शे वाले हो गए, टैक्सी वाले हो गए, उनकी स्थिति आप समझ सकते हैं, समझ रहे हैं? तो उनकी जगह पर आपने आपको रखा करिए। जब आपको प्रॉब्लम के बारे में कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप उसकी जगह पर अपने आप को रखकर सोचा करिएगा, शायद बेहतर होगा कि आप बेहतर समझ तरीके से समझ पाएंगे उसे। ठीक है, उनके पास आवास, खाद्य उपलब्धि और आय की स्थिति इतनी विकट है कि अचानक आई आपदा का सामना कर पाना उनके लिए संभव ही नहीं है। ऐसे में तो बुनियादी जरूरतें खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं ही हैं, उन्हें अधिक मजबूत करना होगा। मैं हमेशा से एक बात को दोहराता, पता नहीं हमारे देश में समाज सेवी भी हैं, फिर चाहे आपके अन्ना हजारे साहब हों, आंदोलनकारी बहुत बड़े, उन्होंने एक मुद्दा क्यों नहीं उठाया? हमारे देश में जितने भी इस तरह के आंदोलन हुए, शिक्षा, स्वास्थ्य और तीसरा प्रशिक्षण की व्यवस्था पूरे देश में फ्री होनी चाहिए, फिर चाहे आपका 10 लाख का कोई स्वास्थ्य का मुद्दा हो, बीमारी का हो, या फिर 50 लाख का, उसमें कोई दोहरा नहीं है कि इन्हें फ्री होना चाहिए। यानी कि बीमारी से कोई गरीब नहीं मरना चाहिए अगर अमीर नहीं मर रहा है तो, ये व्यवस्था होनी चाहिए। फिर पता नहीं क्यों ये लोग चुप बैठे रहते हैं। चलिए छोड़िए, जो भी है उनका, इनके लिए उपलब्ध संसाधन बढ़ाने होंगे, वो कई तरह के फिजूल खर्ची व अपव्यय को रोकना होगा। विभिन्न आपदाओं का सामना करने के लिए जो विशिष्ट प्रयास जारी हो रही है उन पर अधिक ध्यान देना होगा, उनके लिए अधिक संसाधन उत्पन्न कराने होंगे। हमें इस क्षेत्र में विकेंद्रीकृत प्रयासों और क्षमताओं को मजबूत करने से भी बहुत सहायता मिलेगी। जहां एक ओर केंद्र व राज्य सरकारों के स्तर पर बेहतर आपदा प्रबंधन क्षमता विकसित करने की जरूरत है, तो वहीं आपकी पंचायत, गांव, समुदाय और मोहल्ले के स्तर पर भी बहुत महत्वपूर्ण पर भी यह महत्वपूर्ण है। एक बात आप लोग, कुछ ही दिन पहले हमने बात की थी इस पर कि अब कोरोना में अगर हम लोग जंग जीत सकते हैं कोरोना से, तो इसमें हमें स्थानीय समुदाय को भी लेना होगा, क्योंकि अब पंचायतों में ये पहुंचते जा रहे हैं, सबसे निचले तबके में पहुंचते जा रहे हैं मरीज, तो वहां व्यवस्था देख सकते हैं पंचायत, जिला पंचायत, आपके जो भी प्रशासन का माध्यम है वही लोग, तो इन्हें भी अब सम्मिलित करना होगा इसमें, इनकी भी भूमिका हो सकती है इससे निपटने में। अनेक आपदाओं के समय जीवन रक्षा के लिए किसी बाहरी एजेंसी के पहुंचने से पहले बचाव के कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं, और यह तभी संभव हो सकते हैं जब स्थानीय स्तर पर तैयारी पहले से मजबूत हो।
अतः विभिन्न गांव और समुदाय के स्तर पर संभावित आपदाओं पर नियोजित ढंग से संवाद होना, स्थानीय योजना तैयार करना, इसके आधार पर राज्य व केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त कर निरंतरता से कार्य करना बहुत जरूरी है। आप इसे उसी तरह से ले सकते हैं, चलिए आपके यहाँ कोई कोई क्या हुआ कि कुएं में कोई पशु गिर जाता है, क्या आप बाहर से जब तक एजेंसी किसी को बुलाते हैं मदद के लिए, जैसे आपकी कोई भी इस तरह की मदद करने के लिए जो भी संगठन होते हैं उन्हें बुलाते हैं, उससे पहले आप अगर गांव में एकता है सब लोग एक साथ हैं तो उसे अपने स्तर पर भी उसे हल कर सकते हैं उस समस्या को, समझ रहे हैं। जब तक वो संगठन या जो भी एजेंसी है वो आएगी उससे पहले आप खुद कर सकते हैं समस्या का समाधान। जहां एक ओर आपदाओं का सामना करने की बहुत तैयारी बहुत जरूरी है, वहीं दूसरी ओर इन्हें आपदाओं से अधिक विकट होने के कारण समझना, उन्हें कम करना भी आवश्यक है। वैज्ञानिकों ने इस बारे में बहुत सी जानकारी उपलब्ध करवाई है कि जलवायु बदलाव के कारण आपदाएं अधिक विकट हो रही हैं और अगले कुछ दशकों के उग्र रूप धारण कर सकती हैं। समुद्र का जलस्तर ऊपर उठने से कई टापू देश लुप्त तक हो सकते हैं, कई घनी आबादी के शहर उजड़ भी सकते हैं, एक तिहाई कृषि बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है, बदलती जलवायु के कारण अनेक प्रजातियां लुप्त हो सकती हैं, नई बीमारियां फैल सकती हैं या पहले से मौजूद रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। जिस तरह से हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में चक्रवात आया हुआ था अम्फान, तो हम लोगों ने पहले से इसमें के बारे में सचेत हो गए थे, हम लोगों ने काफी व्यवस्थाएं भी कर ली थी, तो आप उस समय भी इससे सीख सकते थे। जब चाइना से अन्य देशों में कोरोना वायरस फैल रहा था तब हमारी सरकारें शायद सो रही थी, तो उस समय अगर आप सचेत होते तो शायद आज ये स्थिति ना झेलने को मिलती। एक बात आप लोग हमेशा समझ सकते हैं, कौटिल किसकी बात कर रहा हूं, कौटिल यानी कि चाणक्य की, उन्होंने क्या कहा था कि हम दूसरे की गलतियों से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने ऊपर उन गलतियों को लागू करेंगे, हम वो गलती करते रहेंगे तो हमारी जिंदगी कम पड़ जाएगी। तो ये कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो हमें दूसरों से सीखने की जरूरत हमेशा पड़ती है, यानी कि सामने वाला फेल हुआ है तो किस कारण से फेल हुआ है उसके बारे में जानिए, उससे पूछिए कि क्या कारण रहा था इसलिए फेल हुआ है, तो आप भी अपनी जिंदगी में से फॉलो कर सकते हैं। वर्ष 1992 में विश्व के 1500 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने, जिनमें उस समय जीवित नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिकों में से लगभग आधे वैज्ञानिक भी आपके शामिल थे, एक बयान जारी किया था जिसमें कहा गया था कि हम मानवता को इस बारे में चेतावनी देना चाहते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है, पृथ्वी और उसके जीवन की व्यवस्था जिस तरह हो रही है उसमें व्यापक बदलाव की जरूरत है, अन्यथा बहुत कष्ट बढ़ेंगे और हम सबका घर या पृथ्वी इतनी बुरी तरह तहस नहस हो जाएगी कि फिर उसे बचाया नहीं जा सकेगा। ये कब की बात है, 1992 की, उसके बाद अभी भी हम लोग सो रहे हैं, हम लोग उसे समझ नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग। वर्ष 1992 में आई वैज्ञानिकों की चेतावनी के 25 साल पूरे होने पर एक बार विश्व के जाने माने वैज्ञानिकों ने वर्ष 2017 में एक नई अपील जारी की थी, इस अपील पर पहले से ही अधिक ध्यान आकर्षित हुआ। इस पर 180 देशों के 13,524 वैज्ञानिक, कितने 13,524 वैज्ञानिक, कितने देशों से 180 देशों से व प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए थे, कि इसमें क्या कहा गया था कि जिन गंभीर समस्याओं की ओर वर्ष 1992 में ध्यान दिलाया गया था उनमें से अधिकांश समस्याएं पहले से अधिक विकट रूप धारण करती जा रही हैं, लेकिन उनको सुलझाने के लिए के प्रयास में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है, केवल ओजोन परत संबंधी समस्या में कुछ उल्लेखनीय सफलता में मिली है, क्योंकि इसमें आपके सभी देश एक हुए हैं इस पर। अस्तित्व को संकट में डालने वाली इन अन्य समस्याएं पहले की तरह गंभीर स्थिति में मौजूद हैं या फिर उनकी स्थिति और विकट हुई है, समझ रहे हैं आप लोग। आप समझिए कि अगर वन नष्ट हो जाएंगे तो आप सांस कहां से लेंगे, दुनिया की छोड़िए, सब कुछ छोड़ दीजिए, खाने पीने की ऑक्सीजन कहां से लेंगे आप, इस पर कभी विचार करते हो। मौजूदा एक साथ दोहरी तेरी आपदाओं के दौर को
समझने के लिए इस तरह की चेतावनियों पर ध्यान देना हमें जरूरी है। ये चेतावनियां हमें बता रही हैं कि जहां आपदाओं का सामना करने के लिए कहीं अधिक व बेहतर तैयारी की जरूरत है, वहां बचाव के लिए हमें विकास के मॉडल व जीवन शैली में व्यापक बदलाव करने होंगे, ताकि पर्यावरण को की रक्षा को व्यापक व मजबूत आधार मिल सके। इसके साथ यह व्यापक सच्चाई अपनी जगह है कि विश्व इतिहास के किसी भी अन्य दौर की अपेक्षा आज न्याय, समानता, अमन, शांति और पर्यावरण रक्षा के विभिन्न आंदोलनों व अभियानों के एक दूसरे के नजदीक आने व आपसी एकता से अधिक व्यापक उद्देश्यों के लिए कार्य करना जरूरी है। इसके लिए यह भी जरूरी है कि विश्व की बड़ी समस्याओं व इन आंदोलनों व अभियानों के प्रति जन चेतना का प्रसार कहीं अधिक व्यापक स्तर पर हो। मैं कई बार बोल चुका हूँ आप लोगों को कि हमें किसी की जिंदगी से खेलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम अगर अपने आप को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपको कि आज आप 90 से 95% और कहीं कहीं आप 99% ले सकते हैं कि हर व्यक्ति इसी घमंड में जी रहा है, गलत फहमी में जी रहा है कि उससे समझदार कोई दूसरा नहीं है। हम किसी को नीचा या किसी के भरोसे को तोड़ देते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि हमसे समझदार, वो तो सामने वाला बेवकूफ बेवकूफ है और हम समझदार हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि किसी की जिंदगी से खेलने का अधिकार तुम्हें किसी भी हद तक नहीं है, क्योंकि जब भगवान खेलना शुरू करता है तो वो किसी लायक भी नहीं छोड़ता है। समझ में आए? तो इसलिए किसी की जिंदगी, इसी तरह आपका पर्यावरण का हाल है कि पर्यावरण से आप लोग खेल रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, लेकिन जब पर्यावरण तुम्हारी जिंदगी से खेलना शुरू करता है तो तुम्हें रोने लायक भी नहीं छोड़ता है। समझ में आए? तो इसलिए पर्यावरण को बनाए रखिए और खुशहाल रहिए, ठीक है।